आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MCU की सबसे पहली मूवी हल्क। इसकी IMDb रेटिंग 5.6 है। मूवी की शुरुआत 8 अप्रैल 1965 से होती है, जिसमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड बैनर है, जो गवर्नमेंट के कहने पर मिलिट्री सोल्जर को सुपर सोल्जर बनाने के लिए काम कर रहा होता है, ताकि वक्त आने पर सुपर सोल्जर अमेरिका के लिए लड़ सके। इसके लिए वो जेलफिश और स्टारफिश के DNA को लेता है, क्योंकि जेलफिश के अंदर इमोर्टल रहने की शक्ति होती है और स्टारफिश के अंदर दोबारा चीजें उगाने की शक्ति। अगर उसका एक अंग कट भी जाता है तो वो दोबारा आ जाता है, लेकिन उसे ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी की जरूरत होती है, जिसके लिए वो जनरल थेडस के पास जाता है, लेकिन थेडस उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि इसके लिए सरकार इजाजत नहीं देगी। साथ ही उसे ह्यूमन बॉडी न मिलने के कारण वो अपने आप पर ही एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है। डेविड एक शादीशुदा आदमी होता है और इसी दौरान उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम ब्रूस होता है। जब ब्रूस छोटा होता है तो डेविड उस पर भी एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। वो उसे सबसे शक्तिशाली और अमर इंसान बनाना चाहता था, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि जो एक्सपेरिमेंट मैंने अपने ऊपर किए हैं उसका असर भी ब्रूस पर पड़ा है। इसलिए वो अपनी लैब में उसे ठीक करने के लिए उसका एंटीटूड बनाने की कोशिश में लग जाता है। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। ब्रूस अब 4 साल का हो चुका था और चोट लगने पर भी उसे किसी भी तरह के दर्द का एहसास नहीं होता था। उसकी माँ भी ये सब देखकर हैरान थी। इसके बाद थेडस को पता चल जाता है कि डेविड कुछ गलत एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्योंकि उसे डेविड की लैब से खून के सैंपल मिलते हैं जो इंसानी खून के होते हैं। वो खून डेविड और ब्रूस का होता है, इसलिए वो उस लैब और एक्सपेरिमेंट को बंद करने का हुक्म देता है। वो लैब के सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ देता है, जिसे देखकर डेविड गुस्से में आ जाता है। तो वो थेडस से बदला लेने के लिए गामा रिएक्टर मशीन को ऑन कर देता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। वो वहाँ जाते ही ब्रूस को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये बड़ा होकर इंसान के लिए खतरा बनेगा या फिर थेडस अपनी मिलिट्री के लिए इसका यूज करेगा और उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने के लिए चाकू उठाता है और उसकी ओर बढ़ता है तो उसकी वाइफ उसे रोकती है। इसी हाथापाई में चाकू उसकी वाइफ को लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सब ब्रूस वहीं खड़े होकर अपनी आंखों से देख रहा होता है। ये सब देखकर उसे बहुत गहरा सदमा लगता है, जिसके कारण वो अपने बचपन की इस याद को हमेशा के लिए दबा देता है। तभी थेडस वहाँ आ जाता है और डेविड को गिरफ्तार कर लेता है। फिर वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है। वहीं दूसरी ओर थेडस ब्रूस को एक अनाथ आश्रम में डाल देता है, जहाँ मिसेस क्रेंजलर उसे अडॉप्ट कर लेती है। अब उसका सरनेम ब्रूस क्रेंजलर हो जाता है और उसे बताया जाता है कि उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है। फिर हमें 30 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ ब्रूस अब एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था और वो अपनी गर्लफ्रेंड बेटी के साथ बार्कले लैब में काम करता है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, बेटी जनरल थेडस की बेटी होती है, जिसका पूरा नाम बेटी रोज होता है। फिर इस लैब में ग्लेन की एंट्री होती है। ग्लेन मिलिट्री में काम कर चुका था, वो भी थेडस के नीचे, लेकिन अब वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है जो गामा रेडिएशन पर काम करती है। फिर वो बेटी और ब्रूस को अपनी कंपनी में काम करने के लिए बोलता है और उन्हें 10 गुना पैसे देने की बात भी बोलता है, लेकिन वो दोनों इसके लिए मना कर देते हैं और उसकी बेइज्जती कर बाहर जाने के लिए बोल देते हैं। दरअसल वो उनकी रिसर्च को बेचकर पैसा कमाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर डेविड भी जेल से बाहर आ गया था और जेल से बाहर आते ही वो उसी लैब में स्वीपर का काम करने लग जाता है, जहां ब्रूस काम करता है। फिर डेविड रात में ब्रूस के कैबिन में चला जाता है और उसका नीचे पड़ा हुआ एक बाल उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। साथ ही वो गामा रिएक्टर की मशीन में छेड़छाड़ कर जाता है। इसके बाद वो रात में ब्रूस के घर भी जाता है अपने 3 कुत्तों के साथ। फिर वो वहां से चला जाता है और ब्रूस के बाल का DNA टेस्ट करता है। तब उसे पता चल जाता है कि ये उसी का बेटा है और ये बहुत पावरफुल है। अगले दिन बेटी का कलीग हार्पर गामा रिएक्टर की मशीन को ठीक कर रहा होता है, तभी मशीन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी चपेट में हार्पर आ जाता है। गामा रिएक्शन बहुत तेज होता है, इसलिए बेटी उसे रोक नहीं पाती। तभी ब्रूस हार्पर को हटाकर खुद उस गामा रिएक्टर को पकड़कर खड़ा हो जाता है, ताकि गामा रिएक्टर की किरणें बाहर ना आ सके और बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद ब्रूस को हॉस्पिटल के बेड पर दिखाया जाता है, जहां बेटी भी आ जाती है। वो उसका हालचाल पूछती है। ब्रूस उसे बताता है कि वो पहले से भी बेटर है, लेकिन बेटी ये सोचकर हैरान थी कि ब्रूस अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि नैनोमेड्स के सामने जो भी आया वो मर चुका था, लेकिन ब्रूस के DNA में गामा रिएक्शन मिल गया था, इसलिए वो बच गया। ये सब उसे अपने बाप से मिला था। फिर रात को जब ब्रूस हॉस्पिटल के बेड पर सो रहा होता है, तब डेविड वहाँ आ जाता है। वो उसे बताता है कि वो क्रेंजलर नहीं, बैनर है, ब्रूस बैनर, और वो उसका पिता है। ब्रूस यकीन नहीं करता और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। डेविड वहाँ से जाने के बाद ब्रूस के DNA को एक चूहे पर प्रयोग करता है, ये जानने के लिए कि उसका गुस्सा कैसा है और वो कितना ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ हार्पर ने ग्लेन के सामने अपना मुंह खोल दिया था। ब्रूस के साथ लैब में जो हुआ वो उसे बता देता है। इसके बाद ग्लेन बेटी के पिता जनरल थेडस को ये बात बता देता है, जिससे वो बेटी से मिलने आते हैं और लैब में जो हुआ उसकी बात करते हैं और ब्रूस से भी मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम ब्रूस को देखते हैं, जो अपने ही ब्लड पर रिसर्च कर रहा होता है और उसे जानने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो अपने पिता की बातें सोचकर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और हल्क बन जाता है। फिर वो पूरी लैब में तोड़फोड़ कर देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन बेटी उसके घर जाती है, जब ब्रूस बेहोश पड़ा होता है। वो
वो उसे लैब में जो हुआ वो बताती है और उससे पूछती है कि तुम रात में कहाँ थे। वो कहता है मैं लैब में नहीं था, लेकिन वो स्वीपर लैब में था और वो कह रहा था कि वो मेरे पिता हैं, बस मुझे इतना याद है। इसके बाद बेटी के पिता जनरल थेडस ब्रूस के घर पर आ जाते हैं अपने आदमियों के साथ और उसे हाउस अरेस्ट कर लेते हैं और उसकी लैब को भी सील कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेटी ब्रूस के असली पिता डेविड के घर पर चली जाती है उनसे सच जानने के लिए। वो उसे सब बता देता है कि वो ब्रूस के पिता हैं और ब्रूस दूसरों से अलग है। ये सब सुनकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बातों बातों में डेविड उसके गले का स्कार्फ ले लेता है और अपने कुत्तों को दे देता है। कुत्तों को उसने ब्रूस के डीएनए से बहुत खूंखार और ताकतवर बना दिया था। अब ये कुत्ते वहाँ से निकल जाते हैं बेटी को मारने के लिए ताकि ब्रूस का कोई इलाज न कर पाए और वो हमेशा हल्के ही बना रहे ताकि वो जनरल और दुनिया वालों से बदला ले सके। इसके बाद थेडस ब्रूस से डेविड का पता पूछते हैं, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, जो वाकई में उसे नहीं पता होता। फिर रात में डेविड ब्रूस को कॉल करता है और उसे बता देता है कि मेरे कुत्ते बेटी को मारने वाले हैं जो तुम्हारे डीएनए के बाल से बने हैं। वो चाहता था कि वो हल्क बने। तभी वहाँ ग्लेन आ जाता है और उस दिन हुई बेइज्जती का बदला ब्रूस से ले रहा होता है। वो ब्रूस को मारता है जिससे ब्रूस बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर वो हल्क में बदल जाता है और ग्लेन को बाहर फेंक देता है और घर को तोड़कर बाहर चला जाता है। पुलिस भी बाहर खड़ी होती है और उस पर गोलियां चलाती हैं, लेकिन उस पर गोलियों का असर नहीं होता और वो वहां से बेटी के घर चला जाता है उसे बचाने के लिए। फिर वहां डेविड के कुत्ते आ जाते हैं जो हल्क पर हमला कर देते हैं। हल्क और उन तीनों कुत्तों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। कुत्ते खूंखार और ताकतवर होते हैं, लेकिन हल्क जितने नहीं, वो उसके सिर्फ एक बाल से बने होते हैं। इसलिए एक एक करके वो इन तीनों कुत्तों को जान से मार देता है और बेटी को बचा लेता है। इस लड़ाई में वो भी घायल हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी तुरंत ठीक होने लग जाती है। इसके बाद वो हल्क से ब्रूस बन जाता है और बेटी के गोद में जाकर बेहोश हो जाता है। फिर वो दोनों बेटी के घर में चले जाते हैं। रात में जो हुआ उस सब के बाद बेटी डर जाती है और अगले दिन बेटी अपने पिता थेडस को कॉल करके उन्हें ब्रूस के बारे में बता देती है और उनसे हेल्प मांगती है। फिर ब्रूस और बेटी खाना खाते वक्त बात कर रहे होते हैं, तभी बाहर गेट पर दस्तक होती है जिसे देखने ब्रूस बाहर आ जाता है और बाहर जाते ही थेडस के आदमी ब्रूस पर बेहोशी का इंजेक्शन मार देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उसे एक बॉक्स में बंद करके हेलीकॉप्टर से रेगिस्तानी बेस पर ले जाते हैं जहां वो बचपन में रहा करता था, और इस जगह पर ही बेटी भी रहा करती थी। फिर ऐसे ही काफी दिन हो जाते हैं। बेटी थेडस से उसकी हेल्प करने को कहती है। वो चाहती है उसे बॉक्स से बाहर निकाला जाए ताकि वो उसका इलाज करके उसे ठीक कर सके, लेकिन थेडस उसे खतरा मानता है और वो कहता है कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। लेकिन बेटी नहीं मानती, इसलिए वो उसे बॉक्स से आजाद कर देता है, लेकिन अपनी मिलिट्री बेस से बाहर नहीं जाने देता। इसके बाद हम पुलिस को देखते हैं जो डेविड के घर पर छापा मारने और उसे गिरफ्तार करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ डेविड ब्रूस की लैब में चोरी से चला जाता है और वहाँ अपने आप पर नैनोमैट्स और गामा रिएक्टर की मशीन को ऑन कर देता है जिससे उसकी बॉडी में भी बदलाव आने लगते हैं। अब वो किसी भी चीज को छूकर उससे शक्ति ले सकता था और अब वो पहले से बहुत ही पावरफुल हो जाता है, लेकिन अभी भी वो हल्क जितना पावरफुल नहीं होता। तभी इस जगह पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसे ये सब बंद करने को कहता है, लेकिन वो उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरी ओर हम ब्रूस और बेटी को देखते हैं जो इस जगह पर घूम रहे होते हैं और अपने बचपन की बातें करते हैं। फिर ब्रूस अपने पुराने घर जाता है जहां वो और उसके माता पिता रहते थे, लेकिन वो यहां आके थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो दोनों यहां से चले जाते हैं। लेकिन दोबारा बेटी को ब्रूस से नहीं मिलने दिया जाता। जब ये बात वो थेडस से पूछती है तो उसके हाथ में भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अब ये मामला एनएसए के पास चला जाता है और एनएसए का ही उस पर कंट्रोल होता है। ये सब ग्लेन ने किया था ताकि वो हल्क पर एक्सपेरिमेंट कर सके और उस एक्सपेरिमेंट को बेचकर खूब पैसा कमाए। अब मजबूरी में बेटी को यहां से घर जाना पड़ता है क्योंकि अब कंट्रोल उसके पिता के पास नहीं होता। फिर बेटी अपने घर चली जाती है जब पहले से डेविड मौजूद होता है। वो वहां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस वो कहता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे एक बार ब्रूस से मिलना है और ये तुम्हारे पिता करवा सकते हैं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर हम ब्रूस को देख सकते हैं जो अपने केबिन में होता है। इसके बाद इसके केबिन में ग्लेन आ जाता है एक बिजली की रोड लेकर और ब्रूस पर हमला कर देता है ताकि ब्रूस हल्क बन सके और वो उसका ब्लड लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। वो ये भी बता देता है कि बेटी भी तुम्हें छोड़कर यहां से जा चुकी है, लेकिन ब्रूस हल्क नहीं बनता। इसी गुस्से में ग्लेन उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ग्लेन ब्रूस को एक पानी के अंदर बंद कर देता है और उसके दिमाग में छेड़खानी करता है जिससे ब्रूस अपने बचपन की वो खौफनाक पल याद करता है जब उसकी माँ की मौत हुई थी। ये सब याद करके वो बेकाबू होने लगता है और हल्क में तब्दील हो जाता है। वो उस टैंक को भी फाड़ देता है जिसमें वो बंद होता है और बाहर आ जाता है और सब कुछ तोड़ता हुआ जा रहा होता है। तभी ग्लेन के आदमी फोग वाली मशीन लेकर आते हैं जिससे वो उसे जमा देते हैं। ग्लेन एक ड्रिल की मदद से उसके सर में छेद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तब तक हल्क उस फोग को तोड़ देता है। ग्लेन उस पर एक रॉकेट से हमला करता है, लेकिन रॉकेट उसके शरीर से टकराकर ग्लेन के पीछे चला जाता है और फट जाता है जिसमें ग्लेन की मौत हो जाती है। फिर हल्क सब कुछ तोड़ता हुआ जाता है। मिलिट्री के सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर
गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। फिर वो मिलिट्री बेस का गेट तोड़कर ऊपर आ जाता है और भागते भागते अपने पुराने घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहां उसे याद आता है कि उसकी माँ की मौत के बाद क्या क्या हुआ। हल्क सोच ही रहा होता है तब तक मिलिट्री के टैंक उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो टैंक को खिलौने की तरह तोड़ फोड़ देता है और उन्हें घुमा घुमा कर फेंक देता है। फिर वो वहाँ से भाग रहा होता है। वो इतनी ऊंची ऊंची छलांग मारता है कि उसे पकड़ पाना मुश्किल होता है। तभी थेडस और थेडस के आदमी हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं और पूरी ताकत से हल्क पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो हल्क को नहीं रोक पाते। उनमें से भी वो दो हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है और उसके भागने की रफ्तार हेलीकॉप्टर से भी तेज होती है, लेकिन फिर भी थेडस के आदमी उसे पहाड़ियों में फंसा देते हैं और खूब बम बरसाते हैं। उन्हें लगता है वो मारा गया, लेकिन वो जिंदा होता है और बैटी से मिलने शहर की ओर चला जाता है। थेडस को भी ये बात पता चल जाती है कि हल्क जिंदा है, साथ ही बैटी को भी ये पता चल जाता है और वो भी उससे मिलने के लिए उसी जगह आ जाती है जहाँ हल्क होता है, क्योंकि वही थी जो उसे रोक सकती थी। इसके बाद हल्क सड़क को फाड़ता हुआ बाहर आ जाता है और सभी गाड़ियों को तोड़ रहा होता है। तभी वो थेडस के हेलीकॉप्टर पर हमला करने वाला होता है, लेकिन थेडस के साथ बैटी भी उसी हेलीकॉप्टर में बैठी होती है, जिसे देखकर वो रुक जाता है। फिर बैटी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर उसके सामने आ जाती है। हल्क उसे देखकर कमजोर होने लगता है और ब्रूस बन जाता है और उसके गले लग जाता है। इसके बाद ब्रूस के पिता डेविड को दिखाया जाता है, जिसे ब्रूस से मिलवाने के लिए बुलाया जाता है। अब ब्रूस को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है, जिसके नीचे बहुत हैवी करंट के तार होते हैं। थेडस का प्लान होता है जैसे ही ब्रूस हल्क बने उसे हैवी करंट देकर वही मार दिया जाए। फिर डेविड और ब्रूस को मिलवाया जाता है। इसके बाद डेविड और ब्रूस आपस में आर्गुमेंट करते हैं। ब्रूस उन्हें जाने को कहता है, लेकिन डेविड उसे वो शक्ति चाहता है जिससे वो भी बहुत ताकतवर और जोशीला बन सके, लेकिन ब्रूस उसे मना करता है। तभी डेविड बिजली के हैवी तार को मुंह में रख लेता है, जिससे उसे बहुत तेज करंट लगता है, लेकिन उसकी बॉडी करंट को ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे डेविड बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाता है। जब उसे करंट लग रहा होता है तो उसकी चिंगारी ब्रूस पर भी पड़ती है, जिससे वो हल्क बन जाता है। और डेविड और हल्क यहाँ से बहुत दूर उड़ते हुए चले जाते हैं। वो एक पहाड़ी पर गिरते हैं, जिससे डेविड उस पहाड़ी जैसा हो जाता है। फिर हल्क उस पहाड़ी को उठाकर पानी में गिरा देता है, लेकिन डेविड उससे भी नहीं मरता। वो पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे वो पूरे तालाब का आकार ले लेता है और हल्क पर भी भारी पड़ता है। साथ ही वो दोनों नेचर की शक्तियां भी खींच रहे होते हैं। इसी के चलते डेविड हल्क की शक्तियां भी ऑब्जर्व करने लग जाता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और फट जाता है। तभी जनरल थेडस उस पर परमाणु हथियार छोड़ देते हैं, जिससे वहां बहुत तेज धमाका होता है। सबको लगता है कि परमाणु हथियार की वजह से हल्क मारा गया। फिर हमें एक साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां थेडस बेटी को कॉल करता है और कहता है कि लोगों ने ब्रूस को देखा है, अगर वो तुमसे मिलने के लिए कॉन्टेक्ट करे तो तुम मुझे बताना। ऐसा करने से वो मना कर देती है। फिर हमें अमेजोन जंगल के अंदर एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो ब्रूस होता है। वो वहाँ आदिवासी गरीब लोगों का इलाज करता है और उन्हीं के बीच रहता है। तभी वहाँ कुछ गुंडे टाइप लोग आ जाते हैं और वो ब्रूस को धमकाने लग जाते हैं। तब ब्रूस उनसे कहता है कि उसे और बाकी आदिवासी को अकेला छोड़ दो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। तब हम ब्रूस की आंखों को हरा होते हुए देख सकते हैं। इसका मतलब हल्क मरा नहीं होता, बल्कि उसने अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लिया था। तभी तो एक साल के अंदर वो कभी हल्क नहीं बना, बनता तो ये जंगल तबाह हो चुका होता। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।